अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो एक्सेल में टेबल बनाना सीखने के लिए आज हम बनाते हैं मार्कशीट। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग में स्कूल का नाम लिखना चाहूँगी। नेक्स्ट लाइन में मार्क्स शीट, सपोज करें हम इंटर क्लास की बनाते हैं तो हम मैं लिखूंगी HSC पार्ट टू, क्योंकि मार्कशीट किसी एक ही बच्चे की होती है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट का नाम, नीचे फिर उसका फादर्स नेम, एंड ग्रुप। ओके, अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट का नाम है मारिया एंड हर फादर्स नेम इज अली खान। ग्रुप लिख लेते हैं हम प्री मेडिकल। चलें अब हम यहाँ टेबल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, यहाँ लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेंड। और यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो यहाँ आ जाएंगे टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स ऑब्टेंड में मुझे यहाँ चाहिए पार्ट वन की मार्क्स, जिसमें मेरे पास आज के थ्योरी और उसकी है प्रैक्टिकल्स। फिर दूसरा मुझे चाहिए पार्ट टू की मार्क्स, क्योंकि हम मार्कशीट बना रहे हैं HSC पार्ट टू की, इसलिए जिसमें पार्ट वन पार्ट टू की मार्क्स दोनों एक साथ होती हैं। यहाँ पर भी मुझे चाहिए थ्योरी और यहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, अच्छा हम टोटल मार्क्स यहाँ नहीं लिख रहे, टोटल मार्क्स में इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो कट करने के लिए मैं सेल को सिलेक्ट करूँगी कंट्रोल एक्स और यहाँ पेस्ट करूँगी कंट्रोल वी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसके बॉर्डर्स, टेबल के बॉर्डर्स। राइट, तो मार्क्स ऑब्टेन में आप देखेंगे जो मार्क्स ऑब्टेन है यो मैंने हेडिंग लगाई है पार्ट वन पार्ट टू के दोनों के लिए, तो इसलिए मुझे चाहिए कि मुझे इन सारे सब्जेक्ट्स को मतलब पार्ट वन टू को कम्प्लीटली वो कवर करे। इसलिए मैं क्या करूँगी, जितने सेल्स इन पार्ट वन पार्ट टू की मार्क्स से ऊपर हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगी और उनको मर्ज करके सेंटर का ऑप्शन प्रेस करूँगी, तो ये अब मार्क्स मेरे इनके ऊपर है मीन्स पार्ट वन और पार्ट टू की मार्क्स के। अब हम नीचे देखें कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट वन के हैं, तो उसूलन ये पार्ट वन इन दोनों के ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों सेल्स को करूँगी सेलेक्ट
और यहाँ मार्ज और सेंटर कर दूंगी। इसी तरीके से पार्ट टू के थ्योरी प्रैक्टिकल हैं, तो ये भी दोनों के ऊपर होने चाहिए। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर का प्रेस कर दूंगी, राइट। अब क्योंकि ये सारी हेडिंग्स हैं, अब यहाँ पर हमारी हेडिंग्स यहाँ तक हैं लेकिन ये ऊपर हमारी हेडिंग्स जा रही हैं, तो मैं इनको बैलेंस करने के लिए इन सब को भी मिला के एक्सेल कर देती हूँ, ताकि ये इतना पोर्शन 11 रो तक मेरा पोर्शन जो है वो हेडिंग का रहे। इसलिए अब मैं तीनों सेल सेलेक्ट किए और मैंने यहाँ मार्जिन कर लिया, राइट, मार्जिन सेंटर। अब यहाँ पर भी मैंने मर्ज और सेंटर कर लेती हूँ, राइट। अगर मैं चाहूँ कि मार्क्स नीचे बॉटम पे शो होने के बजाय मिडिल में हो, तो मैं क्या करूँगी, सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास मिडिल अलाइन का ऑप्शन है, आप मिडिल अलाइन कर लेंगे। यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी मिडिल अलाइन कर लेंगे। आपको ये अलाइनमेंट के लिए दो रोज नज़र आ रही, ऊपर वाली जो रो है अलाइनमेंट की वो वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। उस तो हम वर्टिकल अलाइनमेंट से मिडिल सेलेक्ट किया। इसी तरीके से टोटल मार्क्स के लिए भी मैं ये तीनों सेल सेलेक्ट करके मार्ज और सेल कर सेंटर कर दूंगी और फिर मैं इससे भी मिडिल कर देती हूँ। अब देखें आपको टेबल सही लग रहा होगा मेरा, क्योंकि अब ये इतना पूरा सेल 9 से लेकर 11 तक मैंने इसको हेडिंग बना दिया है अपनी मार्कशीट की। तो अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करना शुरू करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। अब मैं अपनी तमाम जो है वो सब्जेक्ट और इसकी मार्क्स फिल कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दूँ, यहाँ इस्लामियात की मार्क्स लिखे हैं 29 और उसके साथ में कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते। जिस तरह से पार्ट वन में इस्लामियात होता है और पार्ट टू में पाकिस्तान स्टडीज़, तो मैंने यहाँ पर थ्योरी में इस्लामियात के सामने 29 लिखे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ के मार्क्स लिखे हैं पार्ट टू थ्योरी में, राइट। तो अब हम सारा आपको नज़र आ रहा है मुझे कि ये एक्स्ट्रा सेल्स मैंने बना दिए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ अगर हम जो सेल्स या जो रोज़ जो हैं डिलीट करना चाहें तो हम कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, एरो का शेप आ गया, मैंने यहाँ सारे सेलेक्ट किए और फिर मैंने राइट क्लिक करूँगी, सिलेक्शन हो गई तमाम सेल्स की और फिर मैं डिलीट का ऑप्शन दबाऊँगी तो सारे मेरे एक्स्ट्रा जो रोज़ हैं वो डिलीट हो गए हैं। अब यहाँ की लाइन मेरी गायब हो चुकी है, इसको मैंने दोबारा बॉर्डर देने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और दोबारा इस ऑप्शन को क्लिक कर लिया। अब मेरी लाइन सारी आ चुकी है। मैं आपको टोटल करना दिखाती हूँ कि हम मार्क्स टोटल कैसे करेंगे। तो पहले हम देखें मार्क्स, जब भी कहीं कोई फार्मूला अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं। टोटल करने का या प्लस करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे पहले मैं इक्वल साइन बनाऊँगी और फिर ये इसका मुझे सेल रेफरेंस देना पड़ेगा। ये क्योंकि 74 मार्क्स मेरे सेल नंबर सी और रो नंबर 12 में है, तो या तो मैं टाइप करूँगी या इसको जस्ट क्लिक करूँगी तो C12 फार्मूला बार में आप देख सकते हो C12 अपीयर हो चुका है और यहाँ सेल में भी अपीयर हो चुका है। अब मैं प्लस लिखूँगी, प्लस के बाद मुझे इस सेल की मार्क्स चाहिए इसलिए मैं इसको क्लिक करूँगी और फिर आप एंटर करें, या तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें या ऊपर आपको ये एंटर का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं। अब फिर मुझे यहाँ पर ये मार्क्स चाहिए तो उसी तरीके से पहले मैं इक्वल साइन लगाएं, ये सेल रेफरेंस दे दिया उस सेल का जहाँ 71 मार्क्स लिखी है और फिर मुझे ये मार्क्स एड करनी है, तो यहाँ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ मार्क्स आ गए। अब यहाँ तो पूरे इसमें मेरे पास मार्क्स ही सिर्फ 29 है, तो मैं जस्ट 29 ऐसे ही टाइप कर रही हूँ और यहाँ पर भी 39 है तो मैं 39 मार्क्स कर रही हूँ। अब देखिए मैं ये वाले नंबर्स प्लस नहीं करी क्योंकि ये टोटल मार्क्स हैं और आउट ऑफ 200 जैसे इन्होंने कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो जो स्टूडेंट की मार्क्स ऑब्टेन हैं इन ईच सब्जेक्ट पार्ट वन और टू में, उनको पार्ट वन और टू की मार्क्स यहाँ प्लस कर रही हूँ। अब यहाँ देखें पार्ट वन में मुझे फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, पार्ट टू में भी थ्योरी भी प्रैक्टिकल है, इसी तरीके से केमिस्ट्री और बॉटनी वगैरह में भी।
तो यहाँ भी मैं इक्वल साइन से फार्मूला लगा सकती हूँ, जैसे इक्वल साइन लगाए, उसके बाद में सम लिखा और फिर मुझे रेंज देनी होगी। ये भी एक फार्मूला का तरीका है, लेकिन मुझे यहाँ पर, मैं थोड़ा सेल को बड़ा कर देती हूँ, सेल की रेंज बतानी पड़ेगी। सेल की रेंज है मेरे जो मार्क्स ऐड करनी है वो है 60 से लेकर 24 तक, और 60 का सेल है रेफरेंस है C16। तो चाहूँ तो मैं टाइप कर लूँ या क्लिक कर लूँ, C16 आ चुका है। अब मुझे हर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ से लेकर मुझे C16 तक का, F16 तक का चाहिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट जो है वैल्यू वो C16 में है और लास्ट वैल्यू मेरी F16 में है, इसलिए मैंने रेंज में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देना ही काफ़ी होता है। एंटर करें, ये एंटर हो चुका है। अब ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर हमारी सेल की वैल्यू थी, ऊपर देखें आप फार्मूला बार में यहाँ C16 F16, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ये फार्मूला कॉपी हो चुके होंगे। अगर मैं यहाँ सेल में आती हूँ, तो अगर मैं यहाँ करूँगी और फिर इसको यहाँ कॉपी करूँगी, तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर कॉपी हो जाए, सारे नंबर लेफ्ट साइड से प्लस हो जाएंगे। लेकिन मैं एक और तरीका भी दिखाना चाह रही हूँ आपको प्लस करने का, वो ये है कि जिस सेल से लेकर आपको प्लस करनी है मार्क्स, वहाँ से लेकर वो सारे सेल सेलेक्ट करें, प्लस एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आपको ऊपर ऑटो सम का बटन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर दें तो आपका प्लस हो जाएगा। अब देखें मैं अब यहाँ पर दोबारा प्लस कुछ नहीं करूँगी, बल्कि यही फार्मूला मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ ड्रैग करके नीचे लाऊँगी, तो ये फार्मूला यहाँ कॉपी हो चुका है। मैं सिर्फ ड्रैग करूँगी और ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू ये लेफ़्ट साइड प्लस हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में जब आप एक जगह फार्मूला लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ देखिए सेल की वैल्यू C17 F17 है, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आया है, लेकिन उसकी वैल्यू उस सेल्स के हिसाब से C18 और F18 है, राइट? तो ये था हम टोटल कैसे करते हैं। तो ये मार्क्स तो टोटल हो गई हमारी, जैसे इंग्लिश की पार्ट और 1 और 2 में मिलाकर 154, इस तरह से उर्दू में पार्ट 1 और 2 मिलाकर 141 एंड सो ऑन, राइट? अब हमने देखी है कि ये सारे सब्जेक्ट्स की मार्क्स मिला के टोटल मार्क्स कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखे यहाँ पर लिखते हैं टोटल मार्क्स। और फिर जैसे मैंने आपको सिखाया कि जितने सेल प्लस करने होते हैं, सबसे आसान तरीका, उतने सेल सारे आप सिलेक्ट करें और एक वो सेल तक सिलेक्ट करें जहाँ पर आपने वो आंसर लिखना है, उसके बाद ऑटो सम का बटन प्रेस करें तो आपका प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम इनको सेलेक्ट करके इनके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, राइट? चलिए अब हम करते हैं अपनी टेबल की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करती हूँ, मेरा फॉन्ट साइज टेबल का मैं सबसे पहले बड़ा करूँगी, चले मैं कर लेती हूँ ये 16, राइट? अब देखें यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट्स की साइज बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो हाइड हो रहा है उनका कुछ पोर्शन। तो अब मैं इसको सेल साइज या कॉलम साइज बड़ी करनी हो, तो मैं यहाँ पर ए और बी के बीच में जो लाइन है वहाँ पर अपने कर्सर को लाऊंगी और राइट साइड पर ड्रैग करूँगी, ठीक है? इसके बाद अब क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी साइड छुप रही है, मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ टोटल मार्क्स को, राइट? अब ये हेडिंग है, इसको मैं नीचे वाली मार्क्स से, ये 16 है तो इनको 18 कर देती हूँ, राइट? अब क्योंकि ये पब्लिक स्कूल हैदराबाद जो मैंने लिखा है वो पूरी टेबल का, टेबल की हेडिंग है, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करती हूँ सेल्स को,
और यहाँ पर मर्ज और सेंटर कर देती हूँ। ओके, नाम पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये हेडिंग है इसकी साइज भी बड़ी होनी चाहिए। नीचे में 18 तक किया है तो मैं यहाँ चले यहाँ पर 20 करती हूँ, क्योंकि मुझे टेबल से बाहर नहीं जाना। राइट, अब मुझे अगर पूरे इस बार को, इस सेल रेंज को कलर देना है तो मैं फिल कलर में जाऊंगी और क्लिक करूंगी। मेरा फिल कलर चेंज हो चुका है। अगर फोन को कलर देना है तो यहाँ फोन कलर का ऑप्शन है, फोन कलर। अब मेरे पास येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है और मेरा फोन है रेड कलर। राइट, अब सेकेंड मेरी हेडिंग है मार्कशीट HSC पार्ट 2, और उसको भी मुझे इन पूरी टेबल के ऊपर लाना है, इसलिए सारे सेल मैंने सेलेक्ट करके सारे सेलेक्ट करूंगी मैं सेल, और ऑप्शन प्रेस करूंगी मार्ज और सेंटर का। राइट, मार्ज और सेंटर हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी साइज भी बड़ी कर देती हूँ, ठीक है, 14 काफ़ी है, और इसको कोई और कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं। राइट, ये पेरेंट्स के नाम भी मैं बड़े कर देती हूँ, इसको भी मैं 12 कर देती हूँ, और यहाँ पर एक और चीज़ लिख देती हूँ, सीट नंबर। सीट नंबर 12003, ये भी एक इमेजिनरी नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। और इसकी साइज भी हम कर देते हैं 12। राइट, इसकी भी साइज 12 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहें अपनी टेबल को थोड़ा कलरफुल बना ला तो हमने अपने सेल्स को, अपनी टेबल को स्टाइल्स दे सकते हैं। तो हम पहले अपनी टेबल को सिलेक्ट करते हैं के, और फिर यहाँ से ऑप्शन स्टाइल्स के हम होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जा रहे हैं, फॉर्मेट एज टेबल, और अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। तो हमसे रेंज जो हमने सेलेक्ट की है वो पूछ रहा है, हम कर लेंगे ओके। तो ये हमारी टेबल आ गई, ठीक है। अब ये हमारी टेबल हमें प्रिंट में कैसे नज़र आएगी, चलें देखते हैं। फाइल में जाएं, यहाँ प्रिंट ऑप्शन में जाएं। वाओ, ज़बरदस्त, ठीक है। ऐसे ये हमारा, अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो हमारा ऐसे प्रिंट नज़र आएगा। वापस जाते हैं हम होम में। अच्छा, थोड़ी सी हमारी ये टेबल बाहर निकल रही क्योंकि हमने साइज़ बहुत बड़ी कर ली है। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, पार्ट 2 तक नज़र आ रहा है मेरा। हम वापस चलते हैं प्रिंट में, प्रिंट में देखें हमें यहाँ पर पार्ट 2 तक नज़र आ रहा है लेकिन बाकी मार्क्स नज़र नहीं आ रही। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसकी साइज़ छोटी कर दूँ, या तो मैं इस कॉलम की साइज़, इस टेबल की साइज़ छोटी कर लूँ, या तो फिर मैंने इस वक्त ये मेरा पेपर जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है, पेज लेआउट में जा रही हूँ, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है, यानी कि लंबाई में, इसको लैंडस्केप में चेंज कर लेती हूँ। जी, अब ये लैंडस्केप में आ रहा है, आ चुका है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरी डॉटेड लाइन अब बाहर नज़र आ रही होगी, और मेरी ये टेबल प्रिंट में अब कैसे नज़र आएगी देखते हैं। जी, अब हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सारी कवर हो चुकी हैं, बाकी थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ हेडिंग की, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे नज़र आती है। तो देखिए, वापस चलते हैं हम दोबारा ये सेल सारे सेलेक्ट करते हैं और मर्ज और सेंटर करते हैं, ठीक है। अब हमारा सब कुछ सही सेटिंग हो चुकी है, और इसको अगर आप चाहें मैं इसकी साइज़ को जूम आउट करके देखूं तो आप देखें ये आपकी टेबल यहाँ नज़र आ रही है, और आपकी ये टेबल यहाँ प्रिंट में ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। आपकी मार्कशीट आपको ऐसे नज़र आएगी। वापस चलते हैं होम में। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने मार्कशीट सेव कैसे करनी है।
फाइल में जाएं और पहले सेव में जाएं। सेव ऑप्शन में जहां पर भी आपने अपनी ये मार्कशीट सेव करनी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डी ड्राइव में करना चाह रही हूं तो मैं लेफ़्ट साइड से डी ड्राइव यूज़ करूंगी। यहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है 7 क्लास 6 क्लास का, तो मैं 6 क्लास के फोल्डर में आऊँगी। अब मैं यहाँ 6 क्लास में जहाँ भी चाहे अपनी फाइल सेव कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं इसका नाम रखती हूँ मार्क शीट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बनाई थी ना, तो मार्क थी प्रैक्टिस नाम रखती हूँ इसका। सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद और देखते हैं क्या हमारी मार्कशीट, ये मार्कशीट है जो पहले मैंने बनाई थी। चले हम, मैं आपको माय कंप्यूटर में वापस गई, ठीक है। और यहाँ से मैं आई डी ड्राइव में, डी ड्राइव से क्लास 6 में देखें यहाँ पर मेरी होगी ये रही मार्कशीट प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसको भेजते कैसे हैं, इसको या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप गूगल क्लास में भेज सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ पहले कि आप मेल कैसे कर सकते हो। आप गूगल क्रोम में जाएं, वहाँ से जीमेल खोलें अपना अकाउंट, राइट। यहाँ पर कंपोज में जाएं, जिसको आप सेंड करना चाह रहे हो उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लीज चेक माय असाइनमेंट, मार्कशीट, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट में मार्कशीट लिख दिया। अब जो मुझे मार्कशीट की फाइल अटैच करनी है, तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट का साइन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस पर कर्सर रखेंगी तो आपको अटैच फाइल लिखा हुआ नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करें। यहाँ से आप डी ड्राइव में जाएं, ये ड्राइव डी ड्राइव खुली हुई है। डी ड्राइव में मैं जाना है मुझे 6 क्लास में, तो मैं 6 क्लास में आ गई और 6 क्लास में ये रही मेरी मार्कशीट। इसको डबल क्लिक करें, अब ये लोड होना शुरू हो गई है, मेरी मार्कशीट लोड हो चुकी है। अब मैं इसको सेंड कर सकती हूँ, अब मैं सेंड करूँगी जैसे ही, तो जिसका मैंने ना ईमेल एड्रेस लिखा है वहाँ ये मार्कशीट सेंड हो जाएगी। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप कैसे कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप खोल रही हूँ पहले, यहाँ से अटैचमेंट में जाएंगे, अटैचमेंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये रही मार्कशीट, और उसको ओपन करेंगे तो ये मार्कशीट आपकी आ जाएगी। या जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी मार्कशीट मेरे पास व्हाट्सएप में आ जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड योर असाइनमेंट नाउ।